डियर फ्रेंड, जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि ट्रावर्जिंग बाय इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, आपने ट्रावर्जिंग करने का कंपास के मेथड से भी सीखा था, यहाँ पे थियोडोलाइट के मेथड से, थियोडोलाइट यूज करके, ठीक है, थियोडोलाइट यूज करके आप ट्रावर्जिंग सीखेंगे, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल मतलब इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना। तो कैसे फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर सिंपल फंडा है। देखिए यहाँ पर ये वाला अगर केस देख रहे हैं, ये केस, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है ना कि हम जब पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे पे जा रहे हैं, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, जब ये स्टेशन पर जा रहे हैं, तो हमारा जो ये जाने का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। उस पोजिशन की बात कर रहा है, जब ऐसे सिचुएशन हो तो हम डायरेक्ट इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं कि मैं पी जो है, पी जो स्टेशन है वहां पर मैं क्या कर लिया, ये जो पी स्टेशन है वहां पर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लिया, और फिर उसके बाद से ये जो पी क्यू लाइन है ना, पी क्यू लाइन पर आपने टेलीस्कोप को सेट कर देना, फोकसिंग कर लेना है, और इस पर जीरो जीरो आपने एंगल मेजरमेंट कर लेना, जीरो जीरो पे सेट कर देना है। फिर बाद में अपर प्लेट को लूज करना है और आपको ले आ देना है पी टी लाइन, टी पर फोकसिंग करके और सेट कर देना है और एंगल मेजरमेंट कर लेना। देखिए टी पी क्यू के बीच का एंगल मिल गया। फिर बाद में पी से क्यू पे स्टेशन पे रख दो, क्यू पे थियोडोलाइट को सेट कर दो, लेवलिंग कर दो, लेवलिंग करने के बाद से क्यू आर पे जीरो सेट करो, और क्यू आर से फिर बाद में अपर प्लेट को लूज करके और लेकर आओ पी पे, तो आपका ये इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। इस तरीके से आपको डायरेक्ट साइड पर ही इंटीरियर एंगल, आपके जो भी पॉइंट आपने सिलेक्ट किया है उस पॉइंट का इंटीरियर एंगल डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाता है। दूसरे कंडीशन की मैं अगर बात करूँ, तो दूसरा कंडीशन जो है वो है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को चेंज करते हैं क्लॉकवाइज, तो आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। जैसे अगर मैं पी पॉइंट पे ही हूँ, पी पॉइंट पे मैं हूँ, ठीक है, तो मैं पहले पी टी पे सेट किया, जीरो जीरो हुआ, जीरो जीरो हुआ, फिर बाद में मैंने क्या किया, घुमा कर क्यू पर लेकर गया। जब घुमाया और क्यू पी क्यू पी क्यू लाइन को सेट कर दिया, तो एंगल मेजरमेंट करूँगा तो ये एक्सटीरियर एंगल उसका बता देगा। तो इस तरीके से आप अगर ट्रावर्जिंग कर रहे हैं और इंक्लूडेड एंगल, देखो इंक्लूडेड एंगल मिल जाता है, आप दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको पता है, तो आप इसके बीच का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो, प्लॉट को आप पेपर पे दिखा भी सकते हो। तो ये टेक्निक है ट्रावर्जिंग बाय इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। ट्रावर्जिंग दो तरीके से होता है, बाय इंक्लूडेड एंगल ट्रावर्जिंग का, फिर ट्रावर्जिंग बाय डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। तो ये इस तरीके से आप करके और सीख सकते हैं। सिंपल फंडा है जो मैंने अभी बताया कि अगर मैं इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को चेंज करते हुए बना कैसा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूँ, तो इंटीरियर एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, और उसी को अगर मैं क्लॉकवाइज बना रहा हूँ, क्लॉकवाइज मेरा डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल हमें मिल जाएगा, डायरेक्टली मिल जाता है थियोडोलाइट की हेल्प से, मुझे डायरेक्टली मिल जाता है। कंपास जब यूज करते हैं ना, तो वहाँ पे मुझे फाइंड आउट करने होते हैं, जिसके कई सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं कि अगर कंपास का यूज करते हैं तो, जब कंपास का यूज करते हैं तो वहाँ पर हम एंगल मेजरमेंट करते हैं बैक साइड, फोर साइड, फिर उसकी हेल्प से हम, वो भी कंडीशन देखा जाता है कि कौन से क्लॉकवाइज गया है कि एंटी क्लॉकवाइज गया है, तो उसके बेस पे फार्मूला, और कई सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं कि इंटीरियर एंगल फाइंड आउट को लेकर, इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड है, कैसे करते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो सर्विंग की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख भी सकते हैं, ठीक है, या तो सर्च भी मारेंगे शैलेंद्र प्रजापति के नाम से, इंक्लूडेड एंगल ईजीएस मेथड से फाइंड आउट करने का, तो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।